गुरु ब्रह्मा है और हम सत्संगियों को विधि पूर्वक गुरु की पूजा करनी है तो उनकी पूजा के लिए विधि क्या है? देखो, पूजा की वृत्ति, पूजा का अर्थ है अपने हृदय में निष्कपट आदर वृत्ति की स्थापना, जिसकी हम पूजा करते हैं निष्कपट भाव से, उसके प्रति की हमसे श्रेष्ठ है। जैसे हम मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे अपने अपने गुरु में भगवान की पूजा करते हैं। पुराणों में ये कथा आई है, एक बार सब ऋषि इकट्ठे हुए व्यास जी महाराज के पास, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संसार में जितनी भी बात कही जाती है वो व्यास जी का प्रसाद है, व्यास जी का उच्छिष्ट है, माने उनके मुंह से निकला हुआ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ऋषियों ने कहा कि व्यास जी महाराज, आपने इतना दिया, वेदों का विभाग किया, उपनिषदों का तात्पर्य बताया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की जिसकी जोड़ का दुनिया में कोई ग्रंथ न है न होगा, और जो महाभारत में है वही सब जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, स्मृति की रचना की, तो अब हम लोग आपकी पूजा कैसे करें? व्यास जी ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा करें, विद्यार्थी जिनसे पढ़ता है उनकी पूजा करें, जिससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं उसकी पूजा करें। व्यास जी ने कहा कि ये अकेला शरीर में नहीं हूँ, संसार में जितने भी गुरु हैं, पुरोहित हैं, शिक्षक हैं, वो सब के सब मेरे स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से मेरी पूजा हो जाती है। पूजा में पांच उपचार भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, 21 होते हैं, 60 होते हैं, 64 होते हैं, और उसके बाद राजोपचार, महाराजोपचार, ये सब होता है। तो अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति के अनुसार पृथ्वी का साथ, जिसमें गंध हो, फूल हो, चंदन हो, ऐसी वस्तु का अर्पण, जिसमें रस, रस जल फल है, नैवेद्य है, उसका अर्पण, जिसमें तेजस हो, आरती उतारना, जिसमें वायु हो, पंखा जलना, जिसमें शब्द हो, आकाश, शब्द से पूजा आकाश का समर्पण है, वायु से पूजा, स्पर्श से पूजा वायु का समर्पण है, दीपक आदि से पूजा अग्नि का समर्पण है, फल भोजन आदि में रस का समर्पण है, चंदन फूल तुलसी आदि में गंध का समर्पण है, स्तुति करना घंटी बजाना आकाश का समर्पण है, हाथ से पूजा करना
का समर्पण है, पांव से परिक्रमा करना चरण का समर्पण है, मुख से स्तुति बोलना नारायण वाक का समर्पण है, नेत्र से दर्शन करना नेत्र का समर्पण है, कान से उपदेश सुनना ये आकाश का श्रोत्र का समर्पण है, और अपने लिए जो प्रिय वस्तु हो महत्वपूर्ण जिसमें अपनी महत्व बुद्धि हो वो समर्पण करना, हाथ जोड़ना माने आप जो आज्ञा करेंगे सो हम करेंगे, सिर झुकाना माने हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि के अनुसार चलेगी, साष्टांग दंडवत करना माने पूरा जीवन ही आपको अर्पित है। इस प्रकार पूजा में अपने अहम भाव और अपने मम भाव छोड़कर अपने उत्कर्ष को छोड़कर अपना अपकर्ष स्वीकार करके देव भाव से संपन्न होकर देवता की पूजा करनी चाहिए। पित्तजा धन से पूजा होती है, तनुजा शरीर से पूजा होती है, मानसी मन से पूजा होती है। सबसे बड़ी पूजा ये है कि आपकी जिंदगी में गुरु जी जहाँ बैठे हैं उनका जो अंतरंग सिंहासन है, उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है, वहां तक पहुंचने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना, साधन करना, अभ्यास करना, सदाचार पालन के द्वारा पूजा होती है, सद्भाव के द्वारा पूजा होती है, सद्विचार के द्वारा पूजा होती है, सत स्थिति के द्वारा पूजा होती है और सत ज्ञान के द्वारा पूजा होती है। ऐसी पूजा करनी चाहिए। और आपको नारायण ये जो संसार देखने में आता है, जब इस पर विचार करते हैं ये क्या है, तो जैसा बिना विचार किए ये मालूम पड़ता है वैसा नहीं है। बिना विचार के अंधाधुंध एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, ऐसी जो संसार के बारे में हम लोगों की धारणाएं बन गई हैं, वो बिना विचार के अज्ञानांधकार में से ही है। जब विचार करते हैं तब न रूप मत्से है तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। आप पूर्वार्ध पर श्लोक के ध्यान देंगे तो असंगता का अर्थ समझ में आ जाएगा। न रूप मत्स्येह तथोपलभ्यते, अस्य दृश्यमानस्य प्रपंचस्य इह विचार काले तथा रूपम नोपलभ्यते। जब हम विचार करते हैं तो बिना विचार के दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं दिखती है, ये ऐसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं, ये कैसी है कि जैसा गुरु बताते हैं, जैसा शास्त्र बताते हैं, जैसा भगवान बताते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर सैकड़ों बरस तक जिए, पर ये तो क्षण क्षण बदल रहा है। सब लोग समझते हैं ये हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन तो नहीं है,
वो तो आपको वैराग्य देने वाला है। सब समझते हैं ये मेरा मित्र है, राग करता है, या नहीं वो तो आपको फंसाने वाला है। तो अस्य रूपम तथा यह न उपलब्ध्यते यथा व्यवहार है, व्यवहार में जैसा इसका रूप देखने में आता है वैसा विचार करने पर नहीं मिलता है। न रूप मत्ते तथोपलब्ध्यते, वर्तमान में वैसा नहीं है। नान्तो न चादि, इसके अंत के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा अंत नहीं है, इसकी आदि के बारे में जैसा सोचते हैं वैसे आदि नहीं है। ये आज है कल नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है। पानी बह रहा है झरने का नदी का, मालूम पड़ता है जैसा कल था वैसा आज है, लेकिन वो तो बह के सैकड़ों मील निकल गया। दीपक जलता है, बल्ब जलते हैं, मालूम पड़ता है जैसे कल थे वैसे आज हैं, लेकिन ये तो बिजली खाते जाते हैं और पुराने रूप नष्ट होते जाते हैं, नए रूप आते जाते हैं। घी और बत्ती खत्म होती जाती है, सौ बदलती जाती है, मालूम पड़ता है वही है। मालूम पड़ता है पेड़ में जो आम कल फला था हमने देखा था वही आज भी है, नहीं वो वही नहीं है बदल गया। ये आपका शरीर भी दिन रात चौबीसों घंटे क्षण के साथ ही बदलता रहता है। बाल कब सफेद हुआ इसका पता नहीं चलता है, आप दूरबीन लगा के देखते रहो बुढ़ापा कब आ जाता है, रुधिराभिसरण कैसे होता है, फलापसरण कैसे होता है, रोए शरीर के कैसे बढ़ते हैं। बच्चे को रोज नापो, बढ़ा हुआ तो मिलेगा लेकिन कब बढ़ गया इसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसा है ये संसार वृक्ष, अश्वत्थ इसको बोलते हैं, न स्वस्थ स्थिति, ये कल तक नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अब आजकल साइंस कहाँ पहुंच गया है वो तो हमको मालूम नहीं। बचपन में हमने साइंस की कोई पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 7 वर्ष में शरीर के एक एक कण बदल जाते हैं और अपने को मालूम पड़ता है कि मैं हूँ। दिन रात बदल रहे हैं, अश्वत्थ है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जिससे आज प्रेम है उससे कल भी रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। जिससे आज दुश्मनी है उससे कल दुश्मनी रहेगी, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। परंतु ये ऐसी जड़ जमा के हमारे जीवन में बैठ गया है, ये वृक्ष। वृक्ष शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में जो काटने से मिटे उसका नाम वृक्ष। ओ वृष्टि छेदने धातु है, वृष्ट्यते इति वृक्ष, जिसको काटना पड़े, बिना अपनी ओर से काटे ये वृक्ष की परंपरा नष्ट नहीं होगी। हल्का फुल्का काटोगे तो फिर से इसमें शाखाएं निकल आएंगी। तो इसको काटने का उपाय क्या है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, जैसे तलवार चाहिए किसी चीज को काटने के लिए, वैसे इस संसार को काटने के लिए असंगता चाहिए। असंगता माने असंजन, किसी के साथ चिपकिए मन, हम दोनों मिलके परमात्मा के पास पहुंचेंगे, एक दूसरे की ओर देखते रह जाएंगे, तुम उनको देखोगे वो तुमको देखेंगे। ये तो एक रवि बाबू का गीत है, विमला तुमको याद है, अकेले चलो है? एक स्वामी विवेकानंद जी का संन्यास गीत है,
उसके हर गीत के अंत में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत आता है, असंजना असंगा। जैसे दृश्य मात्र से दृष्टा असंग होता है, असंगो यजम पुरुषः, ये पुरुष सर्वथा असंग है, जिसके संग कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं जाता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है कि पत्नी घर के दरवाजे से ही मुर्दे को प्रणाम कर लेते हैं और भाई बंधु स्मशान तक पहुंचा के पहुंच जाते हैं। एक धर्म ही है जो जीव के साथ जाता है। तो असंग शस्त्रेणा, अब धर्म जाएगा तो अधर्म भी जाएगा, धर्म अधर्म दोनों न जाए, इसके लिए जो स्वाभाविक प्रकृति का प्रवाह है उसको निरुद्ध करके निरोध दशा में ले जाओ और वहाँ दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर दृश्य को देखे। तो बोले बस हो गया, आपको दृष्टा भाव में स्थिति हो गई का नहीं, और श्लोक पर ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्य यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो ततः पदम, जब असंग पदवी में स्थिति, जब तक तुम दूसरों से चिपक रहे हो, जब तक संसार से संबंध बना रहे हो, तब तक परमार्थ की ओर तुम्हारी दृष्टि गई ही नहीं। इसलिए जब संसार की ओर से असंग हो जाएंगे, जिए कि मरे, कि संयोग होए कि वियोग होए, रहे कि न रहे, जब प्रपंच की ओर से परवाह छूट जाएगी कि ऐसा बन जाए। और मैंने एक महात्मा से पूछा, स्वामी जी मैं कैसा बन जाऊं तो आप मुझे पसंद करेंगे? तो बोले कि देखो, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, क्योंकि अपने स्वरूप हो, और यदि मेरे स्वरूप से अतिरिक्त हो तुम कुछ, तो कभी मुझे पसंद नहीं आओगे। दृश्य के रूप में मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, अपनी आत्मा के रूप में ही तुम्हें पसंद कर सकता हूँ। तो ततः पदम तत् परिमार्गितव्य, जब असंगता आ जाए इस अश्वत्थ वृक्ष से, तब परमात्मा का परिमार्गण करना चाहिए। ये मार्ग का अनुसंधान नहीं है, परमात्मा का अनुसंधान है। यह पद्यते अनेना, ये विपत्ति नहीं है, पदनम पदः, ऐसी विपत्ति है। नारायण पद्यतम इति पदम, जिसकी अंत में प्राप्ति होती है उसको ढूंढने के लिए चलो कि भाई वो पद कैसा है। तुरीय पद है, त्रिशु संतता तुरीयम, त्रिशु संतता जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में वो एक तरीका रहता है। तुरीय कोई अवस्था नहीं है कि जागृत से अलग जैसे स्वप्न है, जागृत स्वप्न से अलग जैसे सुषुप्ति है, वैसे सुषुप्ति से अलग तुरीय नाम की कोई वस्तु काल में, जागृत काल के अवयव में है, स्वप्न काल के अवयव में है, सुषुप्ति काल के अवयव में है, लेकिन तुरीय जो है वो कालातीत होकर और काल के संपूर्ण अवयवों में भी अनुगत है, अनुवृत्त है, और उसका जो परम स्वरूप है उसमें जिसमें अनुगति है वो तो मिथ्या है। इसलिए अनुगति और व्यावृत्ति, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, अन्वय और व्यतिरेक दोनों उसमें नहीं होता है, उस पद का अनुसंधान करना चाहिए। जस्मिन गता न निवर्तन्ति, न निवर्तन्ते यः, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। पानी बन जाए, भौरा बन जाए, पंखा जले, पीकदानी ले, समीप की सेवा मिल जाए, उसको सामीप्य बोलते हैं।
और भगवान ने अपने से एक मिला लिया, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। वेद सहिष्णु अवेद, भगवान चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। और एक सारस्वती मुक्ति होती है कि किसी को कहीं ब्रह्मा बना दिया, कहीं इंद्र बना दिया, इन मुक्तियों का वर्णन पुराणों में आता है। योग में जब निरोध समाधि सिद्ध होती है और वो भी असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात नहीं, संप्रज्ञात से विवेक ख्याति हो करके असंप्रज्ञात, और उसमें भी सविकल्प निर्विकल्प सभी निर्वीज निर्वीज समाधि जब होती है तो दृष्टा का कैवल्य होता है। ये योग दर्शन की मुक्ति है कैवल्य। अद्वैत वेदांत में केवल निरोध समाधि होने पर ही निर्वीज दशा में ही कैवल्य होता है, ये बात वेदांत को स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई अवस्था निर्वीज नहीं होती है, वो कारण रूप होते हैं। इसलिए आत्मा और ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध होने से अज्ञान की निवृत्ति हुई, और कोई दूसरी वस्तु है, द्वैत है, स्थिति है, ये भ्रम जहाँ निवृत्त हो गया वहाँ अद्वितीय अपना स्वस्वरूप है। तो योग दर्शन की रीति से जैसे कमल सरोवर में है तो सरोवर भी है, उसका जल भी है, उसमें कमल निर्लेप है, ऐसा कैवल्य होता है योग दर्शन की रीति से। और जैसे आकाश है और उसमें नीलिमा नाम की कोई वस्तु नहीं, संपूर्ण प्रपंच दिखता हुआ भी ये ज्ञान निवर्त है, ये स्वाधिष्ठान निष्ठा चिंता भाव प्रतियोगी है। अतएव ये बिना हुए ही भास रहा है, आत्मा केवल है, द्वैत का कोई संबंध नहीं है, जीव ईश्वर का भेद नहीं है, जगत जगत का भेद नहीं है। संसार माने तो मेरा तेरा होता है, जीव सृष्टि का नाम संसार है और ईश्वर सृष्टि का नाम जगत है। ये पंचदशी में इसका बहुत बढ़िया विवेक किया है वल्लभाचार्य जी महाराज जी, मेरा तेरा संसार है और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जगत है, और ईश्वर के स्वरूप में दूसरा कोई है नहीं। तो ये जो कैवल्य मोक्ष है उसमें अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित अपना आत्मा ही कैवल्य मोक्ष है। और भागवती मुक्ति जिसको कहते हैं वो भगवान से सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारष्टि सायुज्य अपने इष्ट देव के साथ होने का, उससे मिलने का नाम भागवती मुक्ति है। भागवत में अजामिल आदि के प्रसंग में प्राप्त भागवती गति, उसको भागवती गति मिली ऐसा है, और भीष्म आदि के प्रसंग में है कि उनके प्राणों का उर्ध्वगमन हुई नहीं, समधिगतोऽस्मि विभूत वेद हुआ अंतश्वास उपारवत, भीष्म आदि के प्रसंग में कैवल्य मुक्ति का वर्णन है और अजामिल आदि के प्रसंग में भागवती मुक्ति का वर्णन है। एक बहन का गुजराती में प्रश्न है और मैं उसको हिंदी में कभी सुनाता हूँ कि प्रभु का नाम लेती हूँ तो मन उन्हें कह देता है, भक्ति में चित लगता है, जाना सारा कुछ है, और हमें कोई मन दुख होता है तो प्रभु का नाम चित पर आता नहीं है और उन्हें लड़ा करता है। देखो वैसे तो नाम का जो उच्चारण है वो पाप का विषय है,
वाणी से नाम का उच्चारण होता है और वाणी रहती है जीव में, दो इंद्रिय है इसमें, और एक स्वाद लेने वाली एक बोलने वाली, दोनों एक में ही रहते हैं, एक ही गोलक, दोनों का गोलक एक है। राग के द्वारा नाम का उच्चारण होता है। अब आप देखो, जब नाम का उच्चारण करोगे तो जीभ तो हिलेगी, क्योंकि जिह्वा, कंठमूल, तालु, मूर्धा, दंत, ये त्रिस्थान बोलते हैं इसको, वैसे पश्यन्ति मध्यमा कहते हैं, ये प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्द का उच्चारण होता है। तो जीभ तो हिलेगी ही, आपका शरीर लगा हो, शरीर का एक हिस्सा भगवान का नाम लेने लगा, अब वो हिलेगी, तो हिलना तो क्रिया है और उसको हिलावेगा प्राण, तो आपका केवल अन्नमय कोश ही नामोच्चारण में नहीं लगा, प्राणमय कोश भी लग गया, चेतन तो सब में आई है। अच्छा, नाम लेने की इच्छा है तभी तो आप नाम लेते हैं ना, तो मनोमय कोश लग गया और उसको भगवान का नाम समझते हैं तो महत्व बुद्धि है, विज्ञानमय कोश लग गया। तो आप अलग से मन लगाने की कोशिश मत कीजिए, बिना मन के ही मन साले को छोड़िए, वो न बोल सके जाए तो जाए। ये तो आजकल गड़बड़ाने के लिए बोलते हैं, अरे जब तुम्हारा मन ही नहीं लगता तो वो नाम जपने में क्या रखता है। और रही बात प्रेम की, सो तो जब एक काम जबरदस्ती आप करने लगेंगे तो नाम लेते लेते उसमें प्रेम हो जाएगा, फिर रहा नहीं जाएगा नाम लिए बिना। हमारे पास एक सज्जन थे मध्य प्रदेश के, अब से कोई 35 वर्ष पहले, राम शरण का नाम था, रोज 10,000 अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करते थे, गोपाल मंत्र का। एक दिन आके बोले कि हमको वर्षों हो गया जप करते, हमारा प्रेम न भगवान से हुआ न तंत्र से हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार आके बोले, मैंने कहा अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, कहा छोड़ दो। अब महाराज जब गए तो छूटे ही नहीं, बार-बार मंत्र आवे उनके मुंह में। मैंने कहा बिल्कुल मन आए तुम्हारे लिए इस मंत्र का उच्चारण करना, तो रोने लग गए। तो आपको पता नहीं चलता है, आपको नाम न लेने का दुख है। आप देखो, नहीं तो प्रश्न नहीं करते। आपका प्रश्न ये बताता है कि आप भगवान का नाम नहीं लेते, इसका दुख आपके मन में है। तो यदि नाम में महत्व बुद्धि न होगी, नाम में प्रेम न होगा, आप गाये माये शाम सुबह नाम लेते न होते, तो नाम न लेने का आपको दुख ही नहीं होता। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आप नाम की महिमा को समझते हैं, उसको लेना जरूरी समझते हैं, लेते भी हैं, पर जितना लेना चाहते हैं उतना नहीं ले पाते। तो भाई मेरे, आप घर में काम करते हो, वाहन में चले, रिक्शे में, बस में, टैक्सी में, मोटर में, तो घर से लेके दुकान तक आप नाम ले सकते हैं। आप घर का कोई काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, रसोई बनाते हो, उसमें भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, आपके सामने वाला आदमी जब बोलने लगे तो समझना भगवान ने बड़ी कृपा की, अब इसको बोलने दो और तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, उतना समय तुमको मिल जाता है। भोजन के समय भगवान का नाम लो, सोते समय भगवान का नाम लो, उठते समय भगवान का नाम लो। तो नाम तो आप लेते हैं और उससे इतना प्रेम है आपका कि जितना चाहिए उतना न ले पाने का दुख है। और आप चाहें तो किसी नाम लेने वाला, नाम प्रेमी का संग कीजिए। आपकी कंपनी जब होगी नाम लेने वालों की, तो
भी नाम लेने लगेंगे, संग का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। यादृशते यादृशोप सेवते भवती पुरुषा, आप जैसे लोगों में रहेंगे और जिनको आप अपने से बड़ा महत्वपूर्ण समझेंगे, श्रद्धा करेंगे जिन पर, और जैसा होना चाहेंगे वैसा हो जाएंगे। सचमुच ये भगवान के साथ जुड़ने के लिए ना वो चारण ही एक कड़ी है, ये ऐसा सेतु है जो जीव को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। और जो त्यागी सन्यासी होते हैं वे भी भगवान का नाम ही लेते हैं, यस्तु द्वादश सहस्रम नित्यं प्रणवं देते। तो नाम लेने ही रूप की ओर आकर्षण है और रूप को अपनी ओर बुलाने का साधन है। इसलिए आप नाम जोर लगा के भी ले प्रभु। का कहना है कि भय नहीं है तो भगवान का नहीं है। जब आप जी की आज्ञा है कि प्रभु को साक्षात्कार करने के लिए नित्यपति प्रभु से हाथ मिलाएंगे, तो क्या उनको श्रीमद् भागवत का अनुभव नहीं है? उन दार्शनिकों को जिन्होंने ये बताया है कि है भगवान का कहा से दार्शनिक पाश्चात्य दार्शनिक की औरस्त्य दार्शनिक ये कृष्ण मूर्ति है। अच्छा, हम तो समझते हैं कि वे जितना नाम लेते हैं भगवान का दूसरों के लिए लेना कठिन है। हाँ, ये भी नाम लेने की एक पद्धति है। कराची में एक पहुंचे वाला था, तो जब कोई बच्चा जाके उसके सामने कोई राधे श्याम कहे तो वो मारने के लिए दौड़ता, तो बस गांव में जहाँ खोमचा लेके निकला और लड़के वहाँ पहुँच गए और राधे श्याम करे और वो गाली दे, और गाली दे के क्या करे कि खोमचे में जो मिठाई हो ना उसको उठा के गुस्से में आके फेंकने लग जाए। अब बच्चे मजे से मिठाई भी खाए और राधे श्याम करके उसको चढ़ावे भी, तो ये कृष्णा मूर्ति का जो नाना है वो महाराज काव्य की भाषा में अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जिसको बोलते हैं, जैसे कोई औरत नाना बोलती है और उसका अर्थ आहा होता है, वैसे ही वो बड़े प्रौढ़ नायिका के समान है महाराज भगवान के, और नाना बोलते हैं और उसका अर्थ आहा होता है। उनके पास पूछने के लिए पहुंच जाते हैं, आप कैसे इसको ना बोलते हैं, आप कैसे इसको ना बोलते हैं नारायण। उनके द्वारा भी भगवान की भक्ति का और भगवान का प्रचार ही होता है। प्रदीप विदया उल्टी रीति से वो भगवत भक्ति का ही प्रचार करते हैं। ओ जीवन में अच्छा बुरा सुख दुख दोनों आते रहते, क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे बुरा याद नहीं रहे? तो रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए और जो अच्छे बुरे हमें उनको दाहिने बाएं चटकते जाना चाहिए और पीछे छोड़ते जाना चाहिए। याद आने को तो सपने भी आते हैं, उनसे कुछ असर अपने ऊपर नहीं पड़ता। जो याद आवे सो आने दो, जो जाए सो जाने दो, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और कदम कदम आगे बढ़ते जाओ, कहीं उलझने का नहीं है। एक महात्मा ने सुनाया था, उनका नाम बाबा रामदास है, कि एक कुत्ते ने योजना बनाई कि हम 100 मील की यात्रा करेंगे। जब अपने गांव से निकला दूसरे गांव के सामने आया, गांव के कुत्ते निकल आए भूखने लगे। अब उसने विचार किया कि यदि हम इनसे लड़ेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, तो यही घायल होकर गिर पड़ेंगे।
तो उसने अपनी पूछ दबाई और काय काय करता हुआ आगे निकल गया। भाई बिरादर थोड़ी दूर पहुंचा के लौट गया। जहां उसको 10 दिन में पहुंचना था 100 मील, वहां 2-3 दिन में ही पहुंच गया। और यदि वो लड़ता झगड़ता लोगों से बात विवाद करता तो वहीं का वहीं रह जाता। देखो ये वाद विवाद करने वाले सब द्वैत में दुविधा में डाउट में फंसे हुए हैं। कहीं किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। तो आदमी से नहीं भावों से भी मत उलझो। जो मन में स्मृतियां आती हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, वो तो क्षणिक है, उठते और नष्ट होते हैं, दृष्ट नष्ट है। आगे बढ़ो, चरई वेती स्मृतियां आती हैं, उनको बुद्धि से समर्थन मत करो, ये सही है, और उनके अनुसार काम मत करो, आचरण मत करो। बुद्धि से समर्थन देने पर वो अहम के साथ जुड़ेंगे और क्रिया में उतरने पर बांध लेंगे, बंधन का हेतु बन जाएंगे। इसलिए क्या सपना आया और क्या गया, यदि आप बुद्धि से समर्थन नहीं देते हैं और क्रिया से नहीं करते हैं तो उस स्मृति का सत्व महत्व स्वप्न से अधिक नहीं है। वो तो एक सपना है, आया और गया, उससे न कोई पाप होगा न कोई पुण्य होगा, ना कोई संस्कार पैदा होगा, ना अहंकार से वो जुड़ेंगे। छोड़ते चलो, ये तो कालका देवी रोड है, कितनी मोटरें निकलती हैं, कितनी भीड़ जाती है, कितने गुंडे कितने मुस्टंडे वहां से आते जाते हैं। परवाह मत करो, तुम तो अपने लक्ष्य की ओर देखो और बढ़ते चलो। ओ भूषण, मैंने एक प्रश्न किया था कि आपके श्री मुझसे सुना कि जहाँ भी रहो इस तरह के बंदर रहो कि उन्हें लगे तुम्हारी आवश्यकता है। कभी सुना कि जब तक जरूरत के बंदर रहोगे तो संसार तुम्हें छोड़ेगा। तो कृष्ण का ये भाग अपना दे गया था, उस पर जरा प्रकार डालने की कृपा करेंगे। कभी सुना कि जब तक जरूरत के बंदर रहोगे संसार तुम्हें छोड़ेगा। ऐसा है, यदि संसार से छूटना है तब तो अपने को निकम्मा कर दो, कोई बात नहीं। और यदि संसार में रहना है तो अपने को जरूरी ही बना के रखो। एक सज्जन के पास तोता पोपट शुक्र बात करता था मनुष्य की भाषा में। एक दिन वे सज्जन कहीं जाने लगे तो तोते ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक संत आए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। तो संत के दर्शन से क्या होता है, तो बंधन छूटता है, मोक्ष मिलता है। अच्छा, तो आप मेरा भी एक प्रश्न कर लेना कि मेरा बंधन कैसे टूटेगा और मोक्ष कैसे मिलेगा। गए उसके पास, संत के पास गए, सब कुशल मंगल हुआ। अंत में तोते की बात याद आई तो उन्होंने पूछ दिया तो संत बेहोश होके गिर पड़े। फिर होश में आने पर थोड़ी देर के बाद पूछा तो फिर बेहोश होके गिर पड़े। फिर होश में आए, फिर थोड़ी देर के बाद पूछा तो बेहोश होके गिर पड़े। अब तो बेचारे डर गए कि क्या हो रहा है। घर पे आए तो तोते से कोई बात नहीं की। तोते ने पूछा क्या हुआ, बोले न जाने तुम्हारे प्रश्न में क्या जहर भरा था, संत तो बेहोश होकर गिर पड़ते थे। तो कहा ठीक है। एक दिन दो दिन के बाद वो तोता जो है पिंजरे में बेहोश होकर गिर पड़ा तो मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर रखा, उस पर पानी वानी छिड़का होश में लाने के लिए। पर जब पिंजरे से बाहर रखा गया, छिड़का गया, उड़ गया।
तो वही जो बंधन से छूटना चाहते हैं उनके लिए दवा दूसरी है, और जो संसार में आदरणीय बनना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, उपयोगी बनना चाहते हैं, भागवत में एक प्रसंग ही है इसका, वैराग्य रागोपाधिप्याम आमनातो भय लक्षणा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्मोपदेश किया तो कैसा किया, कि जिसके हृदय में राग की उपाधि है उनके लिए दूसरा, और जिनके हृदय में वैराग्य की उपाधि है उनके लिए दूसरा। यही भारतीय वैदिक धर्म की विशेषता है। ईसाई धर्म में एक प्रार्थना एक इष्ट, जीवन की एक शैली। इस्लाम धर्म में ऐसे ही, भारतीय धर्म में ऐसे ही, यहूदी धर्म में ऐसे ही, वैदिक धर्म में नाड़ी देख देख करके जिसको जैसा रोग है उसके लिए वैसी औषधि। औषधि का गुण प्रधान नहीं है, वो तो बाहर है। जिसको औषधि दी जाती है उसके अंदर क्या गुण है वो देखना पड़ता है। तो जिसका संसार में राग है, अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाना चाहता है, उसको आवश्यक बनकर रहना चाहिए। और जिसको संसार के बंधन से छूटना है, और ये बेवकूफी मत करना कि मिट्टी पानी आग हवा सूर्य चंद्रमा का नाम संसार है। संसार तो मैं और मेरे का नाम है, बोला इसी के लिए संसरण है, पुनर्जन्म है, नरक है, स्वर्ग है, बंधन है। जिसको तुम मेरा समझते हो और मेरे वाला समझते हो वही बंधन है। तो हो नारायण, आप संसार में जीवन व्यतीत करें आवश्यक बन करके, और यदि आप विरक्त हो, संसार से छूटना चाहते हो, तो उसके लिए तो भाई एक बार पूरी कर लो अपनी तमन्ना जो हो, एक क्षण में घोड़े के रिकाब में पाओ और तत्व ज्ञान। दोनों दो प्रकार के अधिकारियों के लिए है, उसको गड़बड़ मत करिए। सबसे बारंबार यही मन में आता है कि शरीर के घेरे में बदले कहाँ सबसे आनंद स्वरूप और कहाँ ये मुक्ति का शरीर का फल, उस निराकार में शक्ति सत्य का बना कुछ ही नहीं था। पर ऐसा अनुभव द्वारा कभी नहीं हुआ, वह स्थिति कैसे प्राप्त करे बारंबार अनुभव की याद आते। असल में तो बात इतनी है कि यदि किसी के ध्यान में और ध्यान में ज्ञान में ये बैठ जाए कि मिट्टी केवल मृत्तिका उड़ जाए, मृत्तिका, तो आप देखेंगे कि ना गांव होगा ना शहर, और ना पहाड़ होगा ना जंगल, ना पशु पक्षी मनुष्य के शरीर होंगे, ये सब तो मिट्टी के डले ही हैं। जहाँ एक बार बुद्धि में से मिट्टी बट्टे खाते में डाली गई, वहाँ जल भी जल नहीं रहेगा। ये तो पंचीकृत है, मिट्टी होने से ही जल मालूम पड़ता है। तेज तेज नहीं रहेगा, ये भी पंचीकृत ही है जो व्यवहार में है। वायु वायु नहीं रहेगी, सब पंचीकृत है। एक पृथ्वी के न होने पर पांचों का रूप ही बदल जाएगा, अपंचीकृत रूप हो जाएंगे, निराकार हो जाएंगे। आपको जो निराकार का अनुभव हुआ, जागृत में हुआ, स्पष्ट हुआ, वो बहुत बढ़िया है। यदि वो अनुभव ना होता तो आपके मन में आज जो निरंतर अनुभव करने की व्याकुलता है वो नहीं आती। ये भगवान ने बड़ी कृपा करी आपके ऊपर
कि आपको थोड़ी देर के लिए सही आकार रहित तत्व का अनुभव कराए। आकार के साथ साथ एक संस्कार भी होता है और वो संस्कार बिना तत्व ज्ञान के नहीं जाता। समाधि लगाने पर आकार तो नहीं रखते हैं, समाधि काल में आकार का भान नहीं होता, परंतु प्रशांत वाहिता संस्कारों की रहती है। जो कल देखा था उसी की आज भी याद आवेगी, जो समाधि के पहले देखा था पीछे भी याद आवेगी। तो ये संस्कार जो है ये नितांत निवृत्त नहीं होते, इनका बाद होता है। बाद होता है माने अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म जान लेने से आकार विकार संस्कार और प्रकार आदि व्याधि समाधि ये जिस उपाधि में होती है उस उपाधि का ही बाद हो जाता है। इसलिए भाई मेरे, एक बार भगवान ने जो आपको अपना निराकार रूप दिखाया उसको भगवान की बड़ी कृपा समझो और जैसा दिखा उसका स्मरण करो। जितना भी समय मिले सकृदिजत दर्शितम रूपम एतत् कामायते नखः। श्रीमद् भागवत में आया कि एक बार ये जो तुम्हें अपने स्वरूप का मैंने दर्शन कराया है ये इसलिए कि तुम्हारे मन में इस वस्तु के अनुभव की और भी तीव्र लालसा बने, उत्कंठा बने, व्याकुलता बने। हाय हाय, वो अनुभव हमारे जीवन में निरंतर क्यों नहीं रहता है? तो इस तरह संसार के प्रति जो राग है वो छूटेगा, सच्चा वैराग्य आवेगा, अंतकरण शुद्ध होगा और ईश्वर कृपा से आपको फिर वैसे ही अनुभव निरंतर होगा। वो तो एक झलक नमूना, वो तो भगवान ने अपनी फिल्म का एक नमूना आपको दिखाया। अब आप उसके लिए जितने व्याकुल होंगे उतने ही उसके निकट पहुंचेंगे और उसका अनुभव होगा। इसलिए आपका जीवन तो सदाचारमय है ही। जहाँ तक संभव है आप अपने हृदय में सद्भाव रखते हैं, दुर्भाव से बचते हैं, दुर्विचार आपके अंतःकरण में आते नहीं। जो सामान्य रूप से प्रपंच की प्रतीति हो रही है ये उस परमात्मा के अनुभव के लिए व्याकुलता की आग में ये भस्म हो जाएगा और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आपको भगवान का अनुभव होगा। आप निराश न हो, उदास न हो, जो आपको अनुभव हुआ है उसको अपने चित्त में और दृढ़ करें। यदि हफ्ते में एक मिनट भी आप पढ़ावें तो महीने भर में 4 मिनट हो जाएगा और 12 महीने में कितना हो जाएगा, अरे 48 मिनट हो जाएगा। हफ्ते में एक मिनट पढ़ावें और एक वर्ष में 48 मिनट होगा और आप गिन लो कि वो कितना दृढ़ कितना गाढ़ा हो जाएगा। उसको छोड़िए मत, पक्का कीजिए, ये मेरी सलाह है। महाराज जी प्रेम के अंदर प्रेमी के गले में आत्मबंधा क्या होता है? क्या आत्मबंधा की बदल प्रेम कटौती पर खड़ा होता सकता है? प्रेम की चरणों की सीमा क्या है? प्रेम की चरम सीमा ये है कि उसमें प्रेमी और प्रियतम माने प्रेम करने वाला प्रेमी और जिससे प्रेम किया जाता है वो प्रियतम, ये दोनों दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। सदा एक रस, एक अखंडित आदि अनादि अनूप कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। ये प्रेम का विहार अनंत है, प्रेम एक रस समुद्र है।
एक लहर बाएं से आई और एक दाएं से, दोनों आपस में मिली, दाहिने वाली बाएं चली गई, बाएं वाली दाहिने चली गई, फिर एक हो के फिर दो हो गई और फिर आए उद्यंती गुलंती खेलंती प्रविशंती, उठती हैं, टकराती हैं, खेलती हैं, एक में मिल जाती हैं। एक दिन श्री राधा रानी बहुत उदास थी, तो प्रियतम ने श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, क्यों प्राण प्रिय आज तुम उदास क्यों हो? श्री राधा रानी ने कहा, अहम कांता कांतस्त्वमिति न तदानी मति रहूत। थोड़ी देर पहले की बात है कि तुम प्यारे हो मैं प्यारी हूँ, ये भेद बुद्धि मेरे मन में नहीं थी। मनोवृत्तिर लुप्ता स्वभावमिति नौ धीरपि हता। मनोवृत्ति का लोप हो गया और मैं और तुम ये बुद्धि नष्ट हो गई। भगवान भर्ता भार्या अमिति जदिदानी व्यवस्थिति ही। अब तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम हमारे प्यारे हो और मैं तुम्हारी प्यारी हूँ। भगवान भर्ता भार्या अमिति जदिदानी व्यवस्थिति ही तथापि प्राणानाम स्थिति रीति विचित्रम किमपरम। फिर भी हमारी सांस अलग चल रही है, तुम्हारी सांस अलग चल रही है, प्राण निकल के एक नहीं हो गए, इससे बढ़ के आश्चर्य और क्या होगा? दुख इसी बात का है कि तुम्हारा प्राण अब अलग है और मेरा प्राण अलग है, दुख की बात यही है। तो प्रेम का चरम उत्कर्ष जाकर होता है, सखी न स रमणो ना हम रमणीति विदावयो रास्ते। प्रेम रसे नो भय अमन एव मदनो निष्पिपेश बला। वो हमारा प्यारा है और मैं उसकी प्यारी हूँ, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम रस ने दोनों को गीला करके दोनों का जो अहम है उसको पीस दिया, और जैसे ज्ञान से नित्य सिद्ध अद्वैत का बोध होता है, यहाँ भावना की प्रकृति से दोनों का द्वैत पीस गया और एक में स्थिति हो गई। तो भाई प्रेम यदि शुद्ध हो, प्रेम तो प्रेमी और प्रियतम दोनों को शुद्ध कर देता है, एक कर देता है। शुद्ध होने पर एकता ही रहती है, शुद्ध होने पर द्वैत नहीं रहता। यदि प्रेमी है शुद्ध तो प्रेम और प्रियतम दोनों शुद्ध हो जाएंगे, और यदि प्रियतम है शुद्ध तो भी प्रेम और प्रेमी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिरूप भंग पूर्वकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। त्रिरूप भंग, इसमें त्रिपुटी नहीं है कि ये प्रेमी है, ये प्रेम है, ये प्रियतम है, ये प्रियतम है, प्रेम है, प्रेमी है। ये तो व्यक्ति की स्थिति है, व्यक्ति की। प्रेम तो अनंत रस है, रसो वैसा रसम केवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो वही भूमा तत् सुखा आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना। तो आनंद तो अनंत साक्षात परब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म। उसमें प्रेमी और प्रियतम का भेद नहीं, यही प्रेम का चरम परम और चरम अंतिम उत्कृष्ट अति उत्कृष्ट स्वरूप है। निरतिशय उत्कृष्ट निरुत्तर उत्कृष्ट। कृष्ण को मथुरा ले जाते हैं, उस समय उन का आपसी संवाद है कि अवरत पहुंचो सुमैया को।
धर्म और मालूम को चित्त में रखती हुई क्या होता है, क्या भाव होते हैं? देखो जी, ये प्रेम जो है ये दो रूपों में प्रकट होता है। और प्रकट होने का अर्थ यह है कि संसार के जो जीव हैं, भगवान के रास्ते पर चलने वाले, उनमें से किसी किसी को तो संयोग का अनुभव होता है कि भगवान हमसे मिले हुए हैं। तो एक प्रेम होता है संयोग प्रधान, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को होता है। एक प्रेम होता है वियोग प्रधान, और वियोग भी दो तरह का होता है, एक अयोग और एक वियोग। विरह के दो भेद हैं, एक अयोग और एक वियोग। और फिर संयोग रूप प्रेम के भी अनेक भेद होते हैं, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मादन, मोदन, ऐसे। ये तो प्रेम शास्त्र तो जैसे वेदांत शास्त्र का विस्तार है, ऐसे ही प्रेम शास्त्र का विस्तार है। तो ये प्रेम का जो रूप महात्माओं ने प्रकट किया है वो सब जीवों के कल्याण के लिए है। तो भगवान के वियोग में प्रेमी को कैसे होना चाहिए, ये बात उस समय प्रकट की गई है जब अक्रूर भगवान को लेकर मथुरा जाने की लीला करते हैं। लीला ही है ये, जाना आना नहीं। तो उस समय गोपियों के चित्त की जो दशा होती है उसके साथ हमारा चित्त मिल जाए, और वही व्याकुलता जो गोपी के हृदय में है हमारे हृदय में आ जाए, जिसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। और रासलीला है उसमें भी भगवान अंतर्धान होते हैं। उस समय जो गोपी के चित्त की दशा होती है भगवान को पाने के लिए, हम उसका स्मरण करके अपने हृदय में आज उसको बुलावें। और संयोग की दशा वो है जब भगवान प्रकट होते हैं, आनंद होता है, आपस में वार्तालाप होता है, प्रश्नोत्तर होता है, और नारायण फिर नृत्य होता है, अंगनाम अंगनाम हरे माधवा। तो वो लीला देखो, पाद भुज विभूति सुस्मित भ्रू विलास ही भजन मध्य चल कुछ पट ही कुंडलैर गंडलो स्वित्यनुमुख्यः कबर रसना ग्रंथयः कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तटितैवता मेघ चक्रे विरेजु। नारायण ये केनोपनिषद में विद्युतो व्यद्युता जहाँ आता है अधिदैव, अधिदैव उपासना का स्वरूप, जैसे काले काले बादलों में बिजली कौंद रही है, इस प्रकार श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर चार ओर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, और गोपियों की बिजली बीच बीच में कौंद रही है। ये अधिदैव उपासना में केनोपनिषद में इसका वर्णन है। तो ये जीव के कल्याण के लिए संयोग की दशा में कैसा होना और वियोग की दशा में कैसे होना, ये हमारे जीवन के लिए संयोग वियोग सिखाने के लिए है। क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्रेम की शिक्षा नहीं दी जाती। सच्चे प्रेम की शिक्षा तो हमारे भगवान की लीला में दी जाती है। तो आयोग में मिलने से पहले कैसे, मिलने के बाद वियोग होने पर कैसे, संयोग में कैसे, और संयोग की गाढ़ता में कैसे। जो जो गाढ़ता होती जाएगी त्यों त्यों स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये अवस्थाएं प्रकट होती जाएंगी। इसलिए गोपियां ऐसी थी ये वर्णन करने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो ये है कि हमारा हृदय जो है वो गोपी भाव से परिपूर्ण हो करके प्रपंच का विस्मरण करे और भगवान के प्रेम में डूब जाए। इसी अभिप्राय से शास्त्र होते हैं, आमरायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थानाम। शास्त्र की जो बात मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होती है वो निरर्थक है
ऐसा जैमिनी आचार्य ने कहा, अथवा फिर विधि निषेध के अर्थवाद में उसको लगा देना चाहिए। तो ये गोपियों का जितना वर्णन है, हमारे अंतकरण को अयोग दशा, वियोग दशा, संजोग दशा, उसकी गाढ़ता और प्रेम की एकता बताने के लिए है। ओम शांति।